नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया के दो मुल्क ऐसे हैं जिनकी रणनीतियां सबसे अलग होती है। इनमें अमेरिका ऐसा देश है जो किसी संघर्ष में अकेला नहीं जाता, जबकि चीन दूसरा वो देश है जो सीधे किसी जंग से परहेज करता है। इनके मुकाबले भारत कुछ सालों से आक्रामक भूमिका में आया है। यह नीति पाकिस्तान के मामले में ज्यादा कारगर रही है, मगर चीन ने जो दांव चला है उससे कहीं ना कहीं भारत उसके जाल में उलझता जा रहा है। पिछले दो हफ्ते से पेंगोंग सो झील से जिस विवाद की शुरुआत हुई थी वह खत्म तो नहीं हुआ, उल्टा चीन ने बड़ी चालाकी से कई मोर्चे खोल दिए हैं। बड़ी बात यह है कि भारत चीन की एक रणनीति बखूबी समझ रहा है, मगर हालात ऐसे है कि भारत की कूटनीति के पुरोधा भी उलझन में पड़ गए हैं। चीन की बिना पर नेपाल ने कालापानी लिपु लेख और लिपियु धारा के 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके पर अपना दावा ठोक दिया है। नेपाल यही नहीं रुका, उसने अपने नए राजनीतिक नक्शे में गुंजिनाबी और कुटी गांव को भी शामिल कर लिया है, जबकि साल 1816 में ब्रिटिश के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे, जिनमें लिपु लेख और कालापानी भी शामिल था। इसका ब्यौरा सुंगोली संधि में भी मिलता है। उधर चीन के कर्ज की दलदल में धस चुका पाकिस्तान भी सीमा पर JF-17 और F-16 उड़ा रहा है। कल जिस तरह का बयान पाक सेना प्रमुख और पाक विदेश मंत्री ने जारी किए वह सारा यकीनन चीन प्रायोजित लगता है, यानी चीन लद्दाख में भारत की सेना को काम करने से तो रोक ही रहा है, उसके साथ ही वह नेपाल और पाकिस्तान की तरफ से भारत पर दबाव बढ़ा रहा है। नेपाल अब एक दशक पूर्व वाला नेपाल नहीं रहा है। जब से इस मुल्क में राजशाही खत्म हुई है उसकी हालात भी कमोबेश पाकिस्तान जैसी होती जा रही है, जहां चीन का निवेश इन्हें अपने कर्ज जाल में जकड़ता जा रहा है। दरअसल दक्षिण एशिया के इन तीनों देशों में बन रहे संघर्ष के हालात के पीछे भारत की आक्रामकता ही काम कर रही है। यह भी कह सकते हैं कि भारत ने सब कुछ समझते हुए भी परिस्थितियों से आर पार करने का मन बना लिया है। इसी महीने से भारत ने जब गिलगित, मुजफ्फराबाद और मीरपुर के मौसम का हाल बताना शुरू किया था, उसके बाद से ही चीन के पांव उखड़ने शुरू हुए। पीओके के इन इलाकों के मौसम का हाल बताकर भारत ने इसे अपना हिस्सा बनाने की औपचारिक पहल की थी। इसमें पीओके का गिलगित ऐसा इलाका है जहां से चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपैक गुजरता है। भारत और अमेरिका दो ऐसे ताकतवर देश हैं जो शुरुआत से ही इसका विरोध करते रहे हैं। चीन की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यदि भारत ने इस इलाके को हासिल कर लिया तो उसकी 62 अरब डॉलर की लागत वाली परियोजना लगभग खत्म हो जाएगी। चीन को यह भी यकीन है कि भारत इस क्षेत्र को देर सवेर वापिस पा लेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका पीछे से भारत की मदद कर रहा है। उसका भारत का साथ देने के पीछे भी बड़ी वजह चीन है। अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन का सीपैक बने। अमेरिका जानता है कि इसके लिए पाकिस्तान कभी राजी नहीं होगा, इसलिए भारत यदि इस हिस्से को पुनः भारत में विलय कर लेता है तो सीपैक भी यहीं दफन हो जाएगा। यानी जितनी चालबाजी इस क्षेत्र में चल रही है वह उससे कहीं अधिक है जो आम आदमी को नजर आती है। अमेरिका की नजर में सीपैक के खटकने की वजह चीन के व्यापार पर अंकुश लगाना है और दुनिया पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना है। बाकी पीओके से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, पर मामला ज्यादा उल्टा होता देखकर चीन ने अपना दांव चल दिया है। चीन भारत के पड़ोसी देशों से विवाद बढ़ाकर उसकी आक्रामकता को रक्षात्मकता में बदलने की कोशिश में जुट गया है, ताकि भारत पीओके की बजाय इन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह जाए। नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भारत का तनाव बढ़ाकर वह खुद भी लद्दाख में भारत की टेंशन बढ़ा रहा है। खास बात यह है कि चीन भारत के साथ कभी भी जंग नहीं चाहेगा, वे भी ऐसे हालात में जब अमेरिका खुद उस पर आग बबूला हो रहा है। मगर बावजूद इसके भारत के सामने तीन तीन मोर्चे खुल गए हैं। नेपाल ने चांगरू में कालापानी के नजदीक आर्मर्ड पुलिस फोर्स की आउटपोस्ट बनाकर भारत को उकसाने की कोशिश की है। ऐसे में भारत भी बहुत संभल कर कदम उठा रहा है। भारत पहले से ज्यादा आक्रामक है, वे केवल पाकिस्तान पर ही नहीं चीन को लेकर भी सख्त है। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि चीन दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है, उससे वे किसी बड़े विवाद में भारत को ज्यादा देशों का साथ मिलेगा, जबकि चीन किसी परिस्थिति में यह युद्ध बिल्कुल नहीं चाहेगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन तीन दशक पीछे पहुंच जाएगा। यही वजह है कि भारत चीन के रमज को भली भांति समझ रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन चाहकर भी भारत को पीओके हासिल करने से नहीं रोक सकता है। यह लगभग तय हो चुका है कि पीओके अब किसी भी हाल में पाक के कब्जे में नहीं रहने देना है। बेशक इसके लिए चीन कितनी भी कुलाचे क्यों ना मारे, वह भारत के खिलाफ कितने भी मोर्चे खोले, देश अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।